ये देखिए इस तरह से हमने तीन बार इस धागे को बांध दिया। अब एक बार और बांधना, चार बार बांधना। देखिए एक बार मैंने इसको बांधा यहाँ से वहां तक, दोबारा इसको बांधा, तीन बार इसको बांधा। अब चौथा धागा मैं यहाँ से लगाऊंगी, इसको चार धागों में बांधना। अब बीच बीच से ही बांधना है ताकि ये खाने भी जो हमारे बन रहे हैं बीच में, ये खाने हमारे बराबर हों। देखिए और एक तरफ से ही बांधना है, नीचे ऊपर नहीं करना है। देखिए बस बनाना बन गए हमारे, ये चार धागे बांधना है। चार धागे बांध देंगे तो ये हमारे आठ खाने बन जाएंगे। इस तरह से बांध करके और इसको थोड़ा टाइट ही बांधना है ताकि ये छूट रहे ना। देखिए इस तरह से हमने इसमें धागे को बांध दिया। अब ये धागा हम यहाँ से काट देंगे। अब हम इसको क्रीम कलर का गुलाब बना रहे हैं। इसको अब ये देखिए इस धागा लेके जिससे हमें गुलाब बनाना है, वो धागे के पहले तो एक गोले छोटे ही करना ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से जा सके। इतना बड़ा ना हो कि इसके अंदर ना जाए, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि फ्लावर ना बन पाए, बीच में गांठे लगानी पड़े, गांठे भी नहीं लगाना है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। इसलिए देखिए इसको सेंटर में, ये बीच का जो सेंटर है इसमें हम सभी धागों को इकट्ठा करके बांध देंगे और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। पहले इन धागों को हम इस पर एक कस के गांठ लगा देंगे। देखिए बीच में इस धागों को, इधर बचा हुआ धागे को हम बाद में इसको काट देंगे। अभी पीछे की तरफ हम उल्टी साइड में इसको डाल दे रहे हैं और इस तरह से इसी हाथ में लेके इसको दे सब तरफ से बराबर करके अब ऐसे डालना है। इसको गांठे नहीं लगानी, बस एक ऐसे एक तरफ से धागा डालते जाओ और दूसरी तरफ से ऐसे इधर से धागा डालो, इधर से धागा निकाल दो, तो जो है हमारा गिरे इस तरह से। ये जो हमारा ये धागे हैं ये कवर होते जाएंगे, बस ऐसे ही करना। और धागे को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है, बराबर से लेना। देखिए इस तरह ऐसा इधर से डाल के ऐसे बराबर से लेना, सेंटर से में करके, ये देखिए खींचना नहीं है, टाइट नहीं करना ज़्यादा और ज़्यादा ढीला नहीं करना, ये डोरियाँ टाइट रहेंगी। ऐसे ही करके हमें 25 बार बनाना है, 25 बार से 30 बार तक से बना सकते हैं, 26 भी 27 भी, कहीं 25 से कम ना हो। देखिए इस तरह चार उधर में सभी धागों कोई धागा छूटने नहीं पाए, ये धागा कोई नहीं छूटे, सबके अंदर से इसे निकालने हैं और इसी धागे को कवर कर देना, लपेट नहीं है इसमें, गांठ नहीं लगानी है। देखिए इधर से डाल के बस इधर से इसे निकालना, ऊपर से ही लेना है। देखिए बस इस तरह से एक बार हो गया, अब हमें इसको 25 बार बनानी है। देखिए इस तरह दूसरी बार शुरू होगा, सेंटर से ही बीच से इसे बनाते जाना है। अब इसको हम 25 बार बना के आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार मैं और दिखा दे रही हूँ, इधर से धागा डालो और इधर से निकालो, बिल्कुल ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ी सी ऊन भी लगती, वो ऊन भी नहीं लगती बहुत ज़्यादा। देखिए हम अब इसको, देखिए तीन बार हो गया हमारा, अब इसको हम 25 बार बना के फिर दिखा रहे हैं आपको। देखिए इधर से डालते हैं धागा, इधर से हम निकालते हैं, ठीक। ऐसे नीचे से हाथ लगाए रहना ताकि ये खींचे ना, या इधर से नहीं है, आगे से ये धागा बड़ा होता जाएगा, ध्यान से
उसको खींचने नहीं पाए, बस इस तरह से उंगली नीचे से लगा के हाथ से इस तरह से पकड़ना है और इधर से धागा डालो, इधर से धागा निकाल लो। इसी तरह हमें 25 बार बनाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको 10 बार बना दिया, आधा ये बन के तैयार हो गया। 10 से 11 का मैं बना रही हूँ और ये इसी तरह से बनाना है। देखिए बराबर से बनाना है, ना तो धागा खींचना है ना तो ढीला छोड़ना है। देखिए इस तरह से नीचे से इसे हाथ लगा के ऐसे बराबर से इसको बनाते जाओ, कुछ भी नहीं। ये उधर से धागा डालिए, इधर से निकालिए, इधर से धागा डालते जाइए, इधर से निकालते जाइए इस तरह से। और ये दूसरी साइड से ऐसे आना चाहिए, दूसरी साइड ऐसे रहेगा। मैं अब इसको 25 पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये हमारा इसको हमने 24 बार बना दिया। इस तरह से इसको बनाना, देखिए इसको जब हम इसमें लपेट लेंगे, इस पे अंगूठा रख के फिर आगे वाले धागे में ऐसे डाल के ऐसे बनाना, फिर इस पे हम अंगूठा रख देंगे तो ये खींचेगा नहीं। खींचना तो खींचना है ना, ढीला करना, इस तरह से ऐसे हम बनाते जाएंगे। देखिए शुरू से ऐसे ही। अब इसको हमारा ये 25 बार हो गया, उन थोड़ी पतली है इसलिए हम इसको 2 बार और बना रहे हैं, 27 बार बना रहे हैं। 25 बार ये हमने धागे को लपेट दिया है। अब इसी तरह से धीरे धीरे आराम से बनाना है। इसको जल्दी से ऐसे खींच देंगे तो ये नहीं बनेगा, बराबर से आएगा। इसे घुमा के अंगूठे से दबा के फिर आगे में ले जाना है इस तरह से। इसी तरह से ऐसे धीरे धीरे आराम से बनेगा तो ये ऐसे जल्दी 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया 26 बार। एक बार मैं और लपेटूंगी धागा। इसको 36 बार तक लपेट सकते हैं, जैसे ऊन बहुत, ये थोड़ी सी मैं पतली ऊन है, मोटी ऊन हो चाहे पतली हो, जैसे जिस जैसी भी ऊन हो, बस कलर फ्लावर का कलर होना चाहिए। इसमें पतली से भी बन जाता है, मोटी से भी बन जाता है, जिस फ्लावर कलर में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुलाब तो हर कलर का ही होता है, वाइट भी बनता है, रेड भी बनता है, पिंक भी बनता है। ये हमने क्रीम कलर का बना रखा, पहला मैंने रेड कलर का बनाया था। देखिए इस तरह से हम इसको बना के पूरा कर दिया। देखिए ये हमारा पंखी तैयार हो गया। अब हम इसको खोल, देखिए हमारा 27 बार पूरा हो गया। अब इसको हम इसके में बांध देंगे इस तरह से। देखिए एक ये 2 नॉट लगा देंगे इसको हम इस तरह से। अब यहीं पे हम इसको धागे के अंदर से निकाल देंगे तो यहाँ पर गांठ लग जाएगी जो कि हमारा खुलेगा नहीं। देखिए हम यहीं पे इसको बांध दिया। अब इस धागे को हम तोड़ देंगे। धागे को तोड़ के एक बार और गांठ लगा दे रही हूँ, पहले उसके बाद धागे को काटते हैं। इसको धागे को काट के हम देखिए निकाल दिया, इसको धागे को हमने तोड़ दिया। कैंची से काट दें या तोड़ दें, जैसे भी इसको धागे को निकाल दिया। अब हम ये नॉट जो मैंने बांध रखा है, देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया। उल्टी तरफ ये है और सीधा साइड ये है। अब इसको हम इसको खोलना है, इस गांठ को खोलने हैं। देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। ये हम खोल देंगे इसको, सभी को खोलना है एक एक करके। ये हमारे खुल गया। अब इसको आप क्रोशिया से भी निकाल सकते हैं, अगर क्रोशिया नहीं तो इसको सुई में इसको पिरो करके और इसको हम पीछे से लेंगे। देखिए इस पीछे से इधर से इधर ये जो लाइन है, जिसे जो ये लाइन है, इसी लाइन पे हम नीचे से आएंगे और यहाँ पे ये क्रोशिया डालेंगे और इसको हम पीछे की तरह, देखिए इस तरह से खींच देंगे। ये एक धागा मैंने पीछे की तरफ ये खींच दिया, निकाल दिया या इस तरह से।
ऐसे हम दूसरा खोलेंगे, देखिए दूसरे सभी को ऐसे खोलेंगे और धागा को हम उसको पीछे की तरफ से निकाल देंगे। इसको इस तरह से बांधना चाहिए ताकि ये आसानी से खुल भी सके और टाइट भी रहे। देखिए इधर से धागा बिल्कुल सेंटर में, ये इसका हमने इसमें पाया, जिस धागे के साथ का है उसी धागे में इसको पाना है। जैसे ये इसके साथ का है तो इसी से हम पीछे से क्रोशिया डालेंगे इस तरह से, ये देखिए पीछे से क्रोशिया डालेंगे और इसमें हम इसको फंसा के इधर को धागा को निकाल देंगे आराम से, फिर निकल गया। देखिए दो धागे मैंने डाल दिया, अब हम तीसरा खोल रहे हैं, ये तीसरा, इसको भी खोल के इसी तरह से हम सभी धागे को इधर से खोल करके, देखिए यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और यहाँ से अब ये इसके साथ में यहाँ आएंगे हम बिल्कुल सेंटर में नीचे को, इसको हम इधर से क्रोशिया डालेंगे धागे को फंसा करके, देखिए हम पीछे को निकाल देंगे, ये बाहर आ गया हमारा। इस तरह से तीन मैंने निकाल दिया और चार हमारे रह गए सब निकाल। ये देखिए दोस्तों मैंने सब धागे काट के इधर से खोल करके इधर को मैंने निकाल दिया, अब एक लास्ट धागा बचा है। इस तरह से इसको भी उसी तरह से इसको भी खोल करके और पीछे निकाल क्रोशिया से पिछली साइड निकाल देना। इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने खोल के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा लास्ट धागा भी ये खुल गया, अब हम इसको इसी तरह से जैसे उन सबको डाला बीच में सेंटर में जिस लाइन का धागा है इसी लाइन में नीचे आते हुए, देखिए इस तरह नीचे आ करके ये सेंटर में बिल्कुल सेंटर में इस तरह से क्रोशिया डालिए और इसको यहाँ से निकाल के ये ऐसे को नीचे को इधर बाहर को खींच लीजिए। देखिए ये हमारे सब तरफ से, ये देखिए कितने बढ़िया कितना सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो गया 10 मिनट में। अब इसको हम ही ऐसे खींचेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ कितना खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार हो गया। देखिए अब इसमें हम इसी फ्रेम से और ग्रीन कलर ऊन से, ये ग्रीन कलर ऊन से और इसी फ्रेम से हम इसमें पत्ती भी बनाएंगे और अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस करके देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको हम दिवाली आ रही और नवरात्रि आ रहे हैं घर को सजाने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत कम समय में बहुत कम ऊन में बहुत ही इजी तरह से ये बन के तैयार हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे। ये गंदे होने पे आप इसको घर में धो भी सकते हैं। मैंने इसको बनाया है, इसका गुलदस्ता बना सकते हैं, इसको झूमर बना सकते हैं या इसमें लीव लगा के ऐसे भी सजा सकते हैं आप। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए ब्यूटीफुल। और अगले वीडियो में हम इसकी लीव बना के दिखाएंगे आप।